जहां अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 हाईएस्ट ग्रोसिंग फर्स्ट डे मूवी बनी है। 175 करोड़ रुपीस का इन्होंने डे वन का कलेक्शन किया, सारे रिकॉर्ड इस मूवी ने तोड़ दिए। वहीं इनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। रिसेंटली हैदराबाद की स्क्रीनिंग के दौरान स्टैम्पेड के चलते यानी कि भगदड़ के चलते एक औरत को अपनी जान गंवानी पड़ दी। वो भी पुष्पा 2 ही देखने के लिए आई थी, लेकिन उसको इस टाइप से अपनी जान गंवानी पड़ेगी ना तो उसके परिवार वालों ने ना उन्होंने कभी सोचा होगा, और जिसके चलते सब लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कहाँ गया था उस टाइम। इसीलिए जो लोग भी उसके कनेक्शंस में थे इस टाइप की स्क्रीनिंग के टाइप पे जो भी कनेक्शन थे उनके खिलाफ़ FIR दर्ज हुई है, वहीं अल्लू अर्जुन के खिलाफ भी दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन के अलावा उनकी सिक्योरिटी टीम, वहीं जो मैनेजमेंट था संध्या थिएटर का, उनको बुक किया गया है 105 सेक्शन के तहत। वहीं उसके अलावा 118 सेक्शन भी लगाया गया है, जिसका मतलब होता है वॉलेंट्री केजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजर वेपन्स और मीन्स, यानी कि अल्लू अर्जुन की मुश्किलें शायद से कम नहीं होंगी, उनको एक ना एक बार तो इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। वहीं ये सुनने के बाद रश्मिका मंदाना ने तो कल यानी कि एक्स पर अपना रिएक्शन दे दिया था। उन्होंने लिखा था आई एम सो सॉरी टू हियर दिस, इस टाइप से उन्होंने रिएक्शन दिया था जब मैत्री मूवीज़ ने ये कहा था कि हमको ऐसे सब सुन के दुख हुआ है और हम डिफ़िकल्ट टाइम में उस परिवार की मदद करेंगे, वहीं हो सकेगा जहाँ तक उनकी हेल्प भी करेंगे, तो उसी पर रिएक्ट किया था रश्मिका मंदाना ने। लेकिन अब देखना है कि इसमें आगे क्या अपडेट आता है। आपकी क्या राय, कि मैनेजमेंट की गलती थी, अल्लू अर्जुन की गलती थी, जिसकी भी आपको लगती है गलती कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।